नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज एकदम रीसेंट और हॉट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और पता है क्या हो गया है भाई, पूरी दुनिया जो है ना वो बिग बॉस का घर बन चुकी है। पैलेस्टीन किससे लड़ रहा है, इधर इसराइल किससे लड़ रहा है, मतलब हर जगह लगा ये पुतिन भाई को गुस्सा आ गया तो किसी ने किसको पेल दिया, मतलब हर जगह यही चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो वैसे ही लड़ाई हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में भी हो गई मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की, देवेंद्रा भाई और संदीप भाई दोनों की लड़ाई हो गई है। अब दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं एकदम मस्त मसाला, और सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं व्यूज के चक्कर में, उनमें से मैं भी एक हूँ। हाँ तो गाइस व्यूज दे दो मस्त, बाकी तो ठीक है। और मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा और क्या लोचे हो रहे हैं वो भी अच्छे से बताऊंगा। हाँ तो गाइस बेसिकली कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि एक संदीप भाई की वीडियो आई थी जिसके अंदर जो भी इंडिया के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं, जो भी बच्चों के साथ हो रहे हैं या जो भी स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में एक वीडियो थी, और अच्छी वीडियो थी वो, पर उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि एक काले बंदे को खड़ा किया था, ठीक है, और उसने सबसे बड़ा लोचा किया है। हाँ वो काले बंदे की ही बात कर रहा हूँ मैं, उसने खड़ा होके ये बोला कि उसने कोई कोर्स लिया और वो उसको वैल्यू नहीं मिली। पर एक बात मेरे को समझाओ, उसने ये इनडायरेक्टली पता है क्या जताया, जो संदीप भाई ने किसी को टारगेट नहीं किया था, पर उसने इनडायरेक्टली पोर्ट्रेट ऐसा किया और टारगेट ऐसा किया कि वो सिर्फ एक ही बंदे पे बात जा रही थी। उसने ये बोला कि हाँ इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, हाँ बिजनेस के अंदर, हाँ इंडिया के। अरे यार अगर ये बोलोगे कि इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर वो भी बिजनेस में, तो एक ही बंदे का नाम आता है, वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो यू देखो तो वो वीडियो में टारगेट हो रहा था, पर कहीं नाम स्पेसिफाइड नहीं था, है ना। तो इस चक्कर में सब लोग बोल रहे हैं कि नाम स्पेसिफाइड नहीं था फिर भी विवेक बिंद्रा बोले, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि उसने बोला कि इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर, बिजनेस के अंदर यूट्यूबर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब मैं बोलूं यार कि इंडिया के फादर ऑफ नेशन, इंडिया के पिताजी, तो गांधी बापू की नाम आएगा ना। अब मैं बोलूं कि इंडिया फादर ऑफ नेशन सही नहीं है, तो आप तो ये समझो कि गांधी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ तो गांधी जी की बात कर रहा हूँ जो नोट पे रहते हैं, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। तो वो ही जीतती यार, पर टारगेट हुआ वो। पर इसमें लोग क्या बोल रहे, अरे नाम ही नहीं लिया चोर की दाढ़ी में। अरे यार क्या थोड़ी थोड़ी। तो गाइस पहला क्वेश्चन ये आता है कि लोग बोल रहे हैं कि वो वैल्यू नहीं दी, 50,000 का कोर्स में वो वैल्यू नहीं मिली। तो एक बात बताऊं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा है ना ऐसे ही नहीं बढ़े, वो इतने जो फॉलोवर्स आए हैं और इतनी जो उन्होंने मेहनत करी है ना, उनके पास है कॉन्टेंट, ठीक है। उन्होंने ये यहाँ पे जो कंपनीज थी उनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि बंदा कंटेंट दे नहीं सकता या बंदे में दम नहीं, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कुछ तो होगा। मैं उनकी साइड लेके नहीं बोल रहा, पर कुछ तो होगा कि भाई इतना फॉलोवर है, इतना लोग उनको मानते हैं, कुछ तो होगा। कोई पर अब प्राइस की बात कर लेते हैं। अब प्राइस की बात, ये उनका कोर्स था कोई 50,000 का। अब यार एक बात बताऊं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेनर हैं जो 10-10 लाख का भी बेच रहे हैं, ठीक है 10 लाख। अब यार अब मेरे दिमाग में जैसे अगर इतनी क्षमता ही नहीं है कि 10 लाख का कोर्स मेरे दिमाग में घुस जाए, तो मेरे को तो यही लगेगा कि वैल्यू नहीं मिली। मेरे को तो यही लगना है कि यार ये तो समझ ही नहीं आया यार, मजा नहीं आया पढ़ के, 10 लाख का 10 लाख डूब गए है और मेरे को वैल्यू भी नहीं। अरे भाई दिमाग को इतना विकसित तो करो है, वो भाई तुम्हारा यहाँ पे 15 GB है और तुम 500 GB की चीज ले रहे हो, तो हार्ड डिस्क तो क्रैश होनी है, क्रैश ही होगा, फिर बोलेंगे वैल्यू नहीं मिली। अरे उड़ गया सब, पुराना भी उड़ गया। और हाँ गाइस जिनको भी उसमें वैल्यू नहीं मिली ना, तो एक काम करना, तुम कोर्स लेना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अपन दोनों साथ में वो कोर्स देखेंगे ताकि मेरा फ्री में हो जाए और मैं तुमको एक्सप्लेन भी कर दूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं। हाँ तो गाइस चलो अब सीरियसली बात कर लेते हैं, मजाक मस्ती बहुत हो गई। बात यह है कि अगर तुम वापस ढंग से देखोगे ना, तो हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए, और हो सकता है कि वो जो वैल्यू तुमको देना चाह रहे थे वो एक्चुअल में तुम ले पाओ। हाँ हो सकता है कि तुमने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, तुमको वैल्यू नहीं मिली। और रही बात ये 10 डेज MBA वाली, तो ये होता है मार्केटिंग यार। जो लोग 50-50 लाख 25-25 लाख दे के 2 साल का कोर्स करते हैं, वो 10 दिन में कैसे हो सकता है? वो तो खुद को सोचना चाहिए। हाँ तुमको इतना पता नहीं चल रहा और इस चक्कर में उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है कि भाई 10 दिन में MBA करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई वो सिर्फ सिखा रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना है, वो ये नहीं बोल रहे कि तुमको डिग्री मिल जाएगी। और सीधी बात है भाई, कोई बंदा अगर IIM से निकला है ना, तो IIM है, हाँ कोई कोई 2 साल जो कराए ना उसके अंदर, तो उसके अंदर इंटर्नशिप होती है, कितनी सारी चीजें होती है, तो वो चीज 10 दिन में कैसे सिखा सकते हैं? ये सिर्फ एक मार्केटिंग थी। हाँ तो गाइस जैसे गुची मेरी कंपनी है,
तो मैं अगर उस बैग की प्राइस 10 लाख भी रखूं तो वो मेरे ऊपर है कि मेरे को तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो, ठीक है। वैसे ही सप्लायर डिसाइड करता है कि उसको क्या प्राइस रखनी है, वैसे ही इन्होंने रखा। अब ये 10 लाख रखे, 1 करोड़ रखे, अपने कितने, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। बहुत लोग हैं लेने वाले, बहुत लोग हैं नहीं लेने वाले। तो ये कोई भी, और अपने ऊपर होता है कि हम प्याज लेने जाते हैं तो 20-20 रुपया, 10-10 रुपये में हमको ऐसा होता है कि ओ इतना ज्यादा। तो जब तुम यार 2-3 हजार नहीं पर 4-5 हजार की भी अगर कोई चीज ले रहे हो ना, 4-5 हजार है वो, तो हमको सोच समझ के लेना होता है। अब तुम 50 हजार 1 लाख का कोर्स ऐसे ही ले लोगे बिना सोचे समझे कि हाँ भाई ये ले लिया तो लाइफ सेट। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है, और कोई ऐसे बड़े डिसीजन ले रहे हो। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि मम्मी पापा की जो सेविंग्स थी हमने वो तोड़ के ये लिया, तो भाई ये तो तुम में भी इतना होना चाहिए था ना। फिर तुम बोल रहे हो कि तुमको वैल्यू नहीं मिली। अरे यार, या तो पहले खुद इतने डेवलप हो जाओ या ये कोर्स लो ही मत। मैं तो बोलता हूँ मत लो। जब तुम ये कर रहे हो ना कि भाई तुम ये इतनी सारी सेविंग लगा के ये कर, इससे अच्छा मत लो कोर्स भाई, जो कर रहे हो करते रहने दो। देखो, और ये बाकी सारी कॉन्ट्रोवर्सी छोड़ो, अगर तुमको एक्चुअल में रिस्क लेना है ना, तो रिस्क लेने के बाद रोना नहीं होता। अगर तुमको एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर बनना है, जो भी है, एकदम रिस्की चीजें करनी है, तो रिस्क है भाई, वो इधर भी जाती है उधर भी जाती है। अब तुम यार सही हो गया तो क्या बात है भाई, भाई तो एंटरप्रेन्योर, और इधर डूब गए तो रोने लग जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। और मैं कोई विवेक सर का साइड नहीं हूँ भाई, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जेन्युइन वीडियो बना रहा हूँ एकदम, मेरा कोई सीध नहीं उनसे। और अब हम आ जाते हैं संदीप भाई पे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि जो भी इंडिया में स्कैम्स हो रहे हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले उनका जो भी ये स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड विकसित नहीं हुआ, पर एक तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम सपोर्ट करें, उनके साथ जो स्कैम्स हो रहे हैं वो नहीं हो। और हाँ, मेरा चैनल देखो, तुमको एकदम एकदम सेक्सी बना दूंगा, एकदम फैशन से लेके, मोटिवेशन से लेके, सेल्फ डेवलपमेंट से लेके। तो गाइज ये वीडियो देख लो, बाकी सब तो ठीक है, इधर देखो तुम।